देख एक नंबर क्वेश्चन अच्छी दत्त चित्र रे ओ वृत्तर केन्द्र ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर बी डी ए बी सी कोणर समद्विखंडक हेले बी सी इज इक्वल टू केते सेंटीमीटर। देख प्रश्न रे देछि ए बी 5 सेंटीमीटर ए डी 3 सेंटीमीटर तापर बी डी ए बी सी कोणर समद्विखंडक आ ओ होची वृत्तर केन्द्र। देख जदि ओ वृत्तर केन्द्र हेबो ताले जो बी डी बी डी टा कोण हेबो व्यास एटा व्यास हेले एई पर्सनटा ए जो बी ए डी ए जो चापटा एटा अर्धवृत्त अर्थात ए जो कोणटा एटा अर्धवृत्तस्थ कोण तेणु ए जो अर्धवृत्तर अंतलिखित कोण ए कोणटा निश्चित 90 डिग्री हेबो एटा 90 डिग्री सेमिति। देख डी सी अंकन करिबा डी सी जोक कर दबा डी सी जोक कर देले लक्ष्य कर बी डी व्यास हेतु वर्तमान जो बी सी डी मध्य एक अर्धवृत्त तेणु बी सी डी कोण अर्थात ए सी कोणटा मध्य अर्धवृत्तस्थ कोण तेणु ए सी कोणटा मध्य हेबो 90 डिग्री। लक्ष्य कर ए दुईटी त्रिभुज वर्तमान सर्वसम हेजियो केमती सर्वसम हेबे ना देख ए जो 90 डिग्री सांगरे ए त्रिभुज 90 डिग्री समान अछि एई कोण सांगरे एई कोण समान काहे ना बी डी ए बी सी कोणर समद्विखंडक देछि तेणु वर्तमान ए बी डी कोण इज इक्वल टू सी बी डी कोण हेबो आउ बी डी बाहुटा रहिछि साधारण बाहु को बा सर्वसमता अनुसार ये दुटा त्रिभुज सर्वसम है तेणु बर्तन ए बी सहित बी सी सामान हम सर्वसम त्रिभुज अनुरूप बाहू हेतु तेणु ए बी 5 सेंटीमीटर देखा हेतु बी सी हम 5 सेंटीमीटर तो ये पाई कौन त्रिभुज ए बी डी सर्वसम त्रिभुज ए बी डी सर्वसम सी बी डी सी बी डी से सिक्वेन्स लिख ए बी डी सी बी डी सर्वसम केमिति ना को बा सर्वसमता द्वारा को बा सर्वसमता द्वारा तेणु वर्तमान आम पाई कौन ना ए बी सहित बी सी सामान ए बी इज इक्वाल टू बी सी आ ए बीटा दिखाई के 5 सेंटीमीटर दिखाई तेणु बी सी आम पाइले 5 सेंटीमीटर तेणु ये आंसर बी सी काढ़ापी थी बी सी पाइले 5 सेंटीमीटर। देख ए दुई नंबर कौन क्वेश्चन अच्छी दत्त चित्र डी वृत्तर केन्द्र ए ओ लंब बी सी ए बी इज इक्वाल टू 12 सेंटीमीटर ए सी इज इक्वाल टू 5 सेंटीमीटर हेले ए ओ केते सेंटीमीटर। देख एटा होचे चित्र तार जे ए बी 12 सेंटीमीटर ए सी 5 सेंटीमीटर आ ए ओ बी सी प्रति लंब अछि डी वृत्तर केन्द्र अछि वर्तमान आमको काढ़ा पाई पड़ो ए ओ रो दैर्घ्य। देख डी वृत्तर केन्द्र हेतु बी सी हेबो वृत्तर व्यास तेणु बी सी वृत्तर व्यास हेले ए जो अर्धवृत्तर अंतलिखित ए कोण यही कोणटा हम 90 डिग्री बर्तमान ए कोण 90 डिग्री अर्थात ए बी सी गोटे समकोणी त्रिभुज तापर ए ओ तो लंब रही। देख बी ए सी गोटे समकोणी त्रिभुज तेणु बी सी र दैर्घ्य 13 सेंटीमीटर। ये प्रमेय 1.4 आम प्रयोग कर देख प्रमेय 1.4 टा कौन मुझे कहीदे सांगे सांगे लक्ष्य कर जे एक समकोणी त्रिभुज समकोणर शीर्षर कर्ण प्रति एक लंब अंकन हेले तीनटा तथ्य आसे प्रमेय 1.4 अनुजाई प्रमेय 1.4 तीन टा तथ्य कौन ना एबी रो स्क्वायर हुए एबी रो स्क्वायर हुए केते ना ए जो दुई भाग अच्छे एडी डी सी एबी सहित लगी एडी अंशटा छोट अंशटा एडी गुणन पूरा कर्ण एसी तापर बी सी स्क्वायर केते हुए ना बी सी सहित लगी छोट अंश एपटे सी डी गुणन एसी पूराटा एसी आउ बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू हुए केते ना एपटे छोट अंश गुणन एपटे छोट अंश अर्थात ए डी इंटू सी डी हुए तो ये होची प्रमेय 1.4। देख ठीक से ही कथा ये प्रयोग करना ए बी सी गोटे समकोणी त्रिभुज ए कौन है 90 डिग्री 90 डिग्री रू कर्ण प्रति लंब ए ओ तेणु यहाँ प्रमेय 1.4 आम पकईपर। देख ये एसी रो स्क्वायर इज इक्वाल टू हम एसी रो स्क्वायर इज इक्वाल टू एसी पटे जो लगे छोट खंडटा ओ सी गुणन पूरा कर्णटा बी सी तो आम ये पाइबा कौन ना एसी रो स्क्वायर इज इक्वाल टू ओ सी गुणन बी सी। देख एसी मूल्य दिखाई के 5 तेणु ये 5 रो स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी गुणन बी सी दिखाई 13 तो इम्प्लाइज ओ सी इज इक्वल टू ये पाई 5 रो स्क्वायर 25/13 25/13 ओ सी पाइले। देख ए ओ सी ये पाईगले 25/13 बर्तमान यही समकोणी त्रिभुज ए ओ सी समकोणी त्रिभुज कर्ण यहाँ 5 सेंटीमीटर दिखाई भूमि पाइले 25/13 बर्तमान उच्चता आम काटद कौ त्रिभुज रे ना समकोणी त्रिभुज ए ओ सी रे ए ओ इज इक्वल टू कर्णर स्क्वायर माइनस भूमि स्क्वायर स्क्वायर रूट अर्थात एसी स्क्वायर माइनस
ओ सी स्क्वायर स्क्वायर रूट देख ए सी स्क्वायर माने पाँच स्क्वायर माइनस एटा है पचीस बै तेर स्क्वायर स्क्वायर रूट अच्छा पाँच स्क्वायर है पचीस पचीस बै तेर पचीस स्क्वायर छः पचीस बै तेर स्क्वायर शहे अणस्तरी स्क्वायर रूट बर्तमान ये लस आगे शहे अणस्तरी शहे अणस्तरी पचीस गुण हे चार हजार दुई पचीस माइनस छः पचीस स्क्वायर रूट एटा फेड़ीदेल हे तीन हजार छः बै वन सिक्स नाइन स्क्वायर रूट देख तीन हजार छः स्क्वायर रूट षाठी बै शहे अणस्तर स्क्वायर रूट तेर षाठी बै तेर सेंटीमीटर यहाँ हूँ आंसर देख तीन नंबर क्वेश्चन अच्छी दत्त चित्र पी ए इज इक्वाल टू नौ सेंटीमीटर पी बी षोह सेंटीमीटर पी डी पंद्रह सेंटीमीटर हेले सी डी केते देख यहाँ हूँ ताप चित्र देख ये पी ए पी बी पी डी दे सी डी काढ़ापी देख यार डायरेक्ट सूत्र अच्छी गोटे एमती गोटे बहिस्थ बिंदु दुईट छेदक जब एमती थाए यार सूत्रटा हुए कौन ना पी ए गुणन पी बी इज इक्वल टू पी सी गुणन पी डी देख से सूत्रटा केमी कनसेप्ट सहित बर्तमान मुझे कहीदे टे लक्ष्य कर मनकर आम एठू पी बिंदु गोटे स्पर्शक वृत्त प्रति ये अंकन करदे ये मनकर स्पर्शक यहाँ है स्पर्शक पी टी मनकर देख उपाद्य चौदह अनुसार पीटी स्क्वायर इज इक्वाल टू कौन हम ना पीटी स्क्वायर इज इक्वाल टू हम पी ए गुणन पी बी उपाद्य चौदह अनुसार यहाँ ठीक सेमती यही छेदक स्पर्शक है पीटी स्क्वायर इज इक्वाल टू एपटे हम पीसी गुणन पी डी पीसी गुणन पी डी तेणु पीटी स्क्वायर इज इक्वाल टू एटी जहाँ पाइले एटी आ गोटे पाइले दुटा इक्वाल हो तुम पाई कौन ना यहाँ उपाद्य चौदह द्वारा मन रख उपाद्य चौदह द्वारा अच्छा बर्तमान लेफ्ट साइड दुटा सामान अच्छी तेणु ये दुटा सामान हम कौन हम ना पी ए गुणन पी बी इज इक्वाल टू पी सी गुणन पी डी देख पी ए रूल्य हूँ नौ इंटु पी बी रूल्य षोह पी सी रूल्य ना पी सी रखिले इंटु पी डी रूल्य पंदर पंदर पकड़े इम्प्लाइज ये पी सी बाहर के नौ गुणन षोह विभक्त पंदर देखा तीन रे काटि दियो तीन तीन नौ तीन पंचा पंदर हेले षोल तीरी अड़चाश बै पाँच अड़चाश बै पाँच है पीसी बाहर अड़चाश बै पाँच या दशमी करदे हो नाइन पॉइंट सिक्स बर्तमान यहाँ पीसी बाहर तापर देख आमको काढ़ापी सी डी लक्ष्य कर ये सी डी केव ना पूरा पी डी फेड़ाण पीसी देख पूरा पी डी रु पीसी को फेड़ देले हम सी डी तेणु सी डी इज इक्वाल टू पीसी फेड़ाण सरी पी डी फेड़ाण पीसी देख पी डी दिया पंदर तो पंदर माइनस नाइन पॉइंट सिक्स पंदर नाइन पॉइंट सिक्स फेड देले हम पाँच दशमिक चार सेंटीमीटर यहाँ हूँ आंसर देख तापर चार नंबर क्वेश्चन अच्छी दत्त चित्र रे ओ वृत्तर केन्द्र ओ ए बी सी एक सामांतरिक चित्र हेले मेजरमेंट ए बी सी चाप केते अर्थात ए बी सी चापर डिग्री परिमाप केते हबो देख यहाँ हूँ तार चित्र देख ये किसी देनी खाली कही कौन ना ए बी सी ओ गोटे सामांतरिक चित्र अच्छा लक्ष्य कर यहाँ जदि गोटे सामांतरिक चित्र हुए तेज सामांतरिक चित्र विपरीत कोण मान परिमाण समान हुए ताल जो बी कोण सांगे बर्तमान ये ओ कोणटा सामान है मनेकर बी कोण को एक्स धरले ओ कोण को एक्स धरले कहीं दुटार तो परिमाण सामान अच्छी अच्छा तापर देख ये ए बी सी चापर यहाँ हूँ विपरीत चाप ए बी सी चापर विपरीत चापर गोटे चाप उपर गोटे जेको जगार गोटे आम बिंदु नवा मनेकर ए बिंदु यहाँ मनेकर पी बिंदु तापर कौन कर सी रु पी को जोग करदब तापर ए रु पी को जोग करदब लक्ष्य कर ये बर्तमान यू ए बी सी चापर डिग्री परिमाप यहाँ एक्स बर्तमान ए बी सी चापर विपरीत चापात लिखित कोण हूँ पी कोण तेणु बर्तमान ये पी कोणटा हे एक्स कोणर अधा हे कहीं गोटे चापर डिग्री परिमाप जी हुए से ही चापर विपरीत चापात लिखित कोण से डिग्री परिमापर अधा हुए अर्थात यहाँ हम एक्स बै टू यार परिमाण हे एक्स बै टू अच्छा देख बर्तमान ए बी सी पी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज तेणु उपपाद्य एगार द्वारा आम कहीपर यार विपरीत कोण मान परस्पर परिपूरक अर्थात बी कोण और पी कोण मिसले शहे अशी डिग्री हे कहीं ए बी सी पी एक वृत्तांत लिखित चतुर्भुज हेतु तो आम कहीपर बी कोण प्लस पी कोण
इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज x प्लस एक्स वाइ टू इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज लस आगे दुई ये हम 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 360 दुई इंटू 180 हम 360 डिग्री इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 360 डिग्री बै थ्री तीन कटे यहाँ हम 120 डिग्री देख क्वेश्चन थिला जे एबीसी चापर डिग्री परिमाप केते हमर क्वेश्चन थिला मेजरमेंट ऑफ एबीसी चाप देख एबीसी चापर डिग्री परिमाप अर्थात एई कोनटा एस एओसी कोनटा जे मेजरमेंट एओसी आमे सेटा पाइले इठी एक्स धरथिले सेटा को पाइले केते 120 डिग्री तोटा हेला 120 डिग्री तो एबीसी चापर डिग्री परिमाप 120 डिग्री एटा होचे आंसर तापर देख पांच नंबर क्वेश्चन अछि दत्त चित्र रे ओ वृत्तर केन्द्र एओसी कोणर परिमाण 135 डिग्री बीओसी कोणर परिमाण 125 डिग्री हेले एसीबी कोणर परिमाण केते देख एटा होछ तार चित्र देख एठी देछि एई कोणटा 135 एटा 125 काढीबा पई पडिबो एसीबी कोण केते अर्थात मेजरमेंट एसीबी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एई कोणटा केते काढीबा पई पडिबो एट लक्ष्य कर एटा 135 एटा 125 हेले एई कोणटा केते हबो एटा केते हबो ना एटा 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 तीनटा मिसले 360 ताहले जो एओबी कोणटा हबो हबो जे मेजरमेंट एओबी इज इक्वल टू हबो 360 रु ए दिटार मिसाना फेडबो फेडिबा 360 फेडाण 135 प्लस 125 देख 360 फेण ए मिसीगले हो 260 पाँच पाँच दस तीन दुई पाँच एक छः दुई 260 तीन सौ दुई षाठी गले बर्तमान आसीगला 100 देख एटा पाइगले आम के ना यार परिमाण पाइले 100 लक्ष्य कर यो चाप मन कर एक्स भी चाप एक्स भी चापर यहाँ हूँ डिग्री परिमाप एक्स भी चापर यहाँ हूँ विपरीत चाप एसीबी चाप एसीबी चाप हेउची एक्स बी रो विपरीत चाप एवं विपरीत चापांत लिखित कोण हेउची एटा तेणु एक्स बी चापर डिग्री परिमाप जेतिकी तार अधा हबो एटा अर्थात सी कोण माने मेजरमेंट ए सी बी कोण हेबो 100 डिग्री रो अधा 100/2 अर्थात 50 डिग्री तो एटा हमर काढिया पई थिला एटा आंसर 50 डिग्री क्वेश्चन देछि दत्त चित्र रे ओ वृत्तर केन्द्र वृत्तर व्यासार्ध 5 सेंटीमीटर एवं त्रिभुज ओ ए बी रो परिसीमा 5√2 होल इंटू रुट टू प्लस 1 सेंटीमीटर हेले ए सी बी कोणर परिमाण केते डिग्री देख ये व्यासार्ध दे ओए ओ बी दुटा व्यासार्ध व्यासार्ध 5 सेंटीमीटर दे सी बी कोण यही कोणटार परिमाण केते काढ़िया पई कहिछि देख बर्तमान जो ओए ओ बी दि जाइछि एवं त्रिभुज ओए बी रो परिसीमा मध्ये देइछि अच्छा ये दुटा बाहू देसी परिसीमा तेणु यही बाहूटा काढ़ीपर बर्तमान यही बाहू काढ़ा पर एओबीटा के प्रकार त्रिभुज देखा तापर ओ कोण काढ़ापर सी कोण काढ़ा लक्ष्य कर बर्तमान आम ये त्रिभुज एओबी ओएओबी व्यासार्ध तो वृत्त व्यासार्ध यटा को आम आर बोलिकी धरले बर्तमान देख त्रिभुज ओएबी रिसीमा परिसीमा आमको दि जाइए के 5√2 होल इंटु रुट टू प्लस 1 सेंटीमीटर दे अच्छा आम नर्माली परिसीमा जानते कौन ना तीन टा बाहूर दैर्घ्यर जोगफल अर्थात ओए प्लस ओ बी प्लस ए बी ओए है आर ओ बी है आर प्लस ए बी इज इक्वल टू देख ये गुणी देवा टी 5√2 इंटु रुट टू देख 5√2 इंटु रुट टू के हम रुट टू रुट टू गुणले 2 इंटु 5 हेले 5√2 जा 10 10 हो गला प्लस 5√2 इंटु 1 एटा रहइबो से 5√2 अच्छा तापर देख आर 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 रो मूल्य 5 तो ये 5 के 10 है प्लस ए बी इज इक्वल टू 10 प्लस 5√2 तो ये इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू के 10 प्लस 5√2 ए 10 सेपट गला -10 है 10 कटिगला रहीगला 5√2 सेंटीमीटर देख ए बी पाइले 5√2 सेंटीमीटर अच्छा ओए ओ बी ए बी भितर गोटे रिलेसन अच्छे कौन रिलेसन टाइम देख जे ओए रो स्क्वायर प्लस ओ बी रो स्क्वायर केते काढ़ ओए रो स्क्वायर माने 5 रो स्क्वायर प्लस ओ बी रो स्क्वायर माने 5 रो स्क्वायर 25 + 25 इज इक्वल टू 50 अच्छा ए बी रो स्क्वायर काढ़ ए बी रो स्क्वायर के 5√2 रो स्क्वायर 5√2 रो स्क्वायर अच्छा 5 रो स्क्वायर है 25 √2 रो स्क्वायर है 2 25 दुणे 50 देख पूर्वटा बाहर था 50 एटा भी 50 अर्थात ये हम पाइले कौन ना ओए रो स्क्वायर प्लस ओ बी रो स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी रो स्क्वायर अर्थात त्रिभुज ओ ए बी एक समकोणी त्रिभुज एक समकोणी
त्रिभुज आउ देख बृहत्तम बाहु किए कर्ण एबि एबि हला बृहत्तम बाहु तेणु एबि होची कर्ण जदि एबि कर्ण हुए ताले ओ कोणटा हेबो 90 डिग्री अर्थात मेजरमेंट एओबि इज इक्वल टू 90 डिग्री एठी लक्ष्य कर देख एओबि कोण होची एई जो चाप मन कर एक्स बी चापर डिग्री परिमाप बर्तमान एक्स बी चापर एटा होची विपरीत चाप एवं सी कोणटा से विपरीत चापांत लिखित कोण तेणु एई कोणर परिमाण जेतिक हेबो एटा पाइले केते 90 डिग्री एटा जेतिक हेबो एटा तार अधा हेबो देखो एई चाप पई एटी डिग्री परिमाप तार विपरीत चाप चाप उपर एटा कोणटा रहिछ तेणु एई कोणर परिमाण एई कोणर परिमाण अधा हेबो तेणु एटा 90 हेले एटा निश्चित 45 आसीबो तो मेजरमेंट ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री ये होची आंसर देख हमरो काडीबा पई थिला एसीबी कोण पाई गले एसीबी कोण रो परिमाण 45 डिग्री क्वेश्चन अछि जे वृत्तर व्यासार्ध हेउची 5 सेंटीमीटर आ ओ हेउची वृत्तर केंद्र पी क्यू जे आर दैर्घ्य दिया जाइछि 8 सेंटीमीटर हमको काडीबा पई पडिबो पी टी रो दैर्घ्य केते पी टी केते काडीबा पई पडिबो एटा 8 आ व्यासार्ध देइछि 5 सेंटीमीटर ओ वृत्तर केंद्र कहिछि देख ये क्वेश्चन रेक दिखाई से आम किसी काढ़ीपर ना बर्तन किसी अंकन करने पड़ो देख ये प्रथम व्यासार्ध पीओ अंकन करदेली तापर ओ टी अंकन करने पड़ो ओ टी अंकन करदेली ओ रु टी को जो करदे अच्छा देख ये ओ पी व्यासार्ध टी पी हूँ स्पर्शक तेणु ये यहाँ हम 90 डिग्री तापर देख बर्तन पी क्यू प्रति टी ओ लंब हेबो देख यहाँ 90 डिग्री हेबो यहाँ 90 डिग्री केमी हेबो तार प्रमाण कर ओ क्यू जोग कलापर बर्तन यही त्रिभुज एवं यही त्रिभुज ओ पी टी ओ क्यू जोग कलापर दुटा सर्वसम हे सर्वसम है दुटा कौन सामान हे सामान है पुणी यही दुटा त्रिभुज सर्वसम हे मनकर छेदबिंदुटा एम हो बर्तमान पी एम टी और क्यू एम टी दुटा सर्वसम हो बाकवा सर्वसमता अनुसार कहीं पी टी सहित टी क्यू सामान दि जाए तो सेमती आम प्रमाण करें 90 डिग्री जेहेतु यहाँ एक मार्किया क्वेश्चन सर्ट क्वेश्चन तो ये 90 डिग्री आम धरीदे कि प्रमाण करा दरकार नहीं अच्छा लक्ष्य कर जो व्यासार्ध दे बर्तमान ये 5 सेंटीमीटर यहाँ है 5 सेंटीमीटर अच्छा वृत्तर केन्द्र ओ रु जिया प्रति अंकित लंब जिया को समद्विखंड करे अर्थात यहाँ 8 सेंटीमीटर है यहाँ हो 4 सेंटीमीटर पीएमटा 4 सेंटीमीटर और क्यू एम हो 4 सेंटीमीटर अच्छा देख यहाँ गोटे समकोणी त्रिभुज पीएमओ समकोणी त्रिभुज कर्ण 5 उच्चता 4 हेले बर्तमान क्यूएम सरी ओ एम बाहरी पड़ो ओ एम के 5 रो स्क्वायर माइनस 4 रो स्क्वायर यहाँ 3 सेंटीमीटर बाहर अच्छा तापर एबे देख आम काढ़ अच्छी पीटी एबे देख यो पीटीओ गोटे समकोणी त्रिभुज यहाँ 90 डिग्री यहाँ लंब समकोण रु कर्ण प्रति पीएम लंब तेणु प्रमेय 1.4 ये पक अच्छा देख जहाँ जहाँ लिखिली सेटा मुझे करदे लक्ष्य कर अंकन किसी दरकार नहीं बर्तमान ये आम पाईगले कौन ना एमओ बर्तमान यहाँ फास्ट पीएम जे पीएम इज इक्वल टू के पी क्यू रधा अर्थात 8 रधा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तापर ओएम ओएम केव ना यहाँ जेहतु गोटे समकोणी त्रिभुज तेणु 5 रो स्क्वायर माइनस 4 रो स्क्वायर रो स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर अच्छा तापर देख ये जो ओ पी टी त्रिभुज प्रमेय 1.4 ये पक पीओ रो स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ सांग को लगे छोट खंड है ओएम ओएम गुणन पूरा कर्णटा ओ टी अच्छा देख पीओ रो स्क्वायर मान 5 रो स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम 3 पाई 3 इंटू ओ टी पूराटा लिखीदे ओ टी तो ये हम पाई कौन ना ओ टी इज इक्वल टू 25/3 अच्छा देख बर्तन ओ टी पाइले 25/3 पूरा ओ टीटा अच्छा बर्तन आमको काढ़ाप अच्छी कौटा ना पी टी काढ़ाप अच्छी लक्ष्य कर जे ओ टी स्क्वायर माइनस 5 रो स्क्वायर रूट कले पी टी बाहरी पड़ो कहीं ये समकोणी त्रिभुज ओ पी टी ओ टी कर्ण आईटा मन कर उच्चता तो भूमि काढ़ाप अच्छी तो ये पी टी इज इक्वल टू कौन हम ना ओ टी स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर रूट अच्छा ओ टी है 25/3 स्क्वायर माइनस ओ पी है 5 स्क्वायर रूट अच्छा यहाँ हो 625/9 माइनस 25 स्क्वायर रूट इक्वल टू देख ये लस आगे हे 9 ये 625 - 9 × 25 25 न हो 225 स्क्वायर रूट अच्छा 625 225 गले 400
400 बाय 9 र स्क्वायर रूट अच्छा 400 र स्क्वायर रूट होची 20 बाय 9 र स्क्वायर रूट ला 3 तो 20 बाय 3 होची आंसर 20 बाय 3 सेंटीमीटर।